बार दिखाओ जी। एक बार नहीं तीन बार देख जा चुके। मुझे शंका है कहीं क्या तीन बार वकील हम दिखाएं। आदेश किस है? कोई आदेश दिखाया जाए कि किस आदेश के अंतर्गत। कमजोर थे पूरे षड्यंत्र गिरा दिया। हमारे अधिवक्ता साथी का कहना है कि कोई नोटिस नहीं दी गई है और बिना नोटिस के कार्रवाई की गई है। हम कचहरी में बैठे थे, बता तो अपना मकान तोड़ा जा रहा है ना। हमको आज अभी तक हमको किसी ने नोटिस दी ना, कोई सूचना दी ना, हमको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है। सांकेतिक रूप से हमने तीन दिन के लिए पूरे जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया है और साथ ही ये भी निर्णय लिया है कि हम अपने तहसील के सभी संघों से, बार संघों के पदाधिकारियों से वार्ता करके उनको भी इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस शहर में सराय नदी, केशव ग्रीन सिटी और तमाम ऐसे अतिक्रमण जहाँ पे जनजीवन का निकलना दुभर है, जल भरा होता है, उन सबसे जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने का काम करेंगे। मंडे से हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारे अधिवक्ता साथी जो सदाशिव त्रिवेदी हैं उनको मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक अधिवक्ता के मकान को प्रशासन ने अतिक्रमण में बना हुआ बताकर उसे ध्वस्त करा दिया। अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। अगले तीन दिनों में अधिवक्ता आंदोलन के रास्ते पर होंगे। कलमबंद हड़ताल का निर्णय कर लिया है और आज लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन भी किया गया है। सवाल खड़े कर रहे हैं अधिवक्तागण कि जब नोटिस नहीं दी गई तो आखिर एक अधिवक्ता का घर क्यों गिराया गया। अधिवक्ता रोता बिलखता रहा लेकिन प्रशासन का बुलडोजर गरजता रहा। तो अब सब अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि वो जिला अधिकारी को अगले तीन दिनों तक सीतापुर के अंदर जहां जहां अतिक्रमण है वो उन्हें दिखाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। क्या आखिर अधिवक्ता ही ऐसे थे जिनका ये घर गिरा दिया गया अतिक्रमण में बताकर। मेरे साथ जो आज निर्णय हुआ है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी हैं और भी तमाम अधिवक्ता गण मौजूद हैं। सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि इनके अंदर आखिर किस बात को लेकर अब नाराज़गी है और प्रशासन ने जो कदम उठाया वो कहां पर गलत था और ये आगे चलकर प्रशासन से क्या कहने वाले हैं अगले तीन दिन तक। फिलहाल आज जो बार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो अध्यक्ष जी से जान लेते हैं कि उसमें क्या निर्णय लिया गया है। विजय जी, निर्णय ये लिया गया है कि जिस तरह से प्रशासन ने अभी जिलाधिकारी महोदय को तीन दिन आए सीतापुर हुआ, उन्होंने जलभराव देखा और तत्काल नगर का भ्रमण किया और एक निर्णय लिया कि हाँ जलभराव अतिक्रमण के कारण है।
मैं समझता हूँ कि उन्हें तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया कि वास्तव में अतिक्रमण है कहाँ, और जल भराव का जो प्रमुख अतिक्रमण कारण है वो उनको नहीं बताए गए। और जल्दबाजी में तहसील प्रशासन ने कल हमारे एक अधिवक्ता साथी के मकान, जो कि जिसकी खतौनी है, जिसके मकान का नक्शा पास है, बैनामा है, और यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उस भूखंड पर मकान का स्वीकृत किया गया और बनकर तैयार हो गया, ये कार्यवाही पूर्णतया वैधानिक रही है। इस बात को लेकर पूरा अधिवक्ता समाज आक्रोशित है और आज हम सब ने अपना विरोध प्रकट किया है और मांग की है जिलाधिकारी महोदय को से, हालांकि एडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, मांग की गई है कि तत्काल इनको मुआवजा दिया जाए। और किन परिस्थितियों में इसको तालाब बताया जा रहा है, जबकि उस घाटा संख्या में तालाब है ही नहीं। इसके लिए दोषी कर्मचारी जो राजस्व के हैं, नगर पालिका के हैं, वो सब के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ दंड उनको दिया जाए जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलाने में मदद किया। प्रशासन ने क्या बताया कि तालाब पर ये अवैध रूप से अतिक्रमण था, क्या नोटिस दी गई, प्रशासन का कहना क्या था? प्रशासन, हालांकि मीडिया सूत्रों से ज्ञात हुआ कि वो कह रहे हैं, अभी आमने सामने हम लोगों को बैठक नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि नोटिस दी गई, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। हमारे अधिवक्ता साथी का कहना है कि कोई नोटिस नहीं दी गई है और बिना नोटिस के कार्रवाई की गई है, ऐसा हुआ जी। तो आज निर्णय अब क्या लिया? आज आप लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया, ज्ञापन सौंप दिया, उसके बाद जो बार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें वो कौन कौन से बिंदु हैं जो निर्णय लिए गए हैं आपके? सांकेतिक रूप से हमने 3 दिन के लिए पूरे जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया है, और साथ ही ये भी निर्णय लिया है कि हम अपने तहसील के सभी संघों से, बार संघों के पदाधिकारियों से वार्ता करके उनको भी इस आंदोलन में शामिल करेंगे, और प्रत्येक दिवस इस शहर में सराय नदी, केशव ग्रीन सिटी और तमाम ऐसे अतिक्रमण जहाँ पे जनजीवन का निकलना दुभर है, जलभराव होता है, उन सब से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने का काम करेंगे। अगर उनकी इच्छा शक्ति है जिले में आकर तो कुछ अच्छा कार्य करें, हम भी उनके साथ खड़े होंगे, वो सभी गलत कामों पर रोक लगा दें, और जहाँ भी गलत काम हो रहे हैं, अवैध काम हो रहे हैं, वो सब पर उनका अगर वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं तो बार सचिता उनका सहयोग भी करेगी। देखिए, आने वाले दिनों में प्रशासन को अब अधिवक्ता खुद बताएंगे क्या उनके मकान पर जो बुलडोजर चला है, क्या जो और लोगों ने अतिक्रमण किया है वहाँ भी चलाएंगे, उनको भी दिखाने का काम करेंगे। तो अगले 3 दिन प्रशासन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। कहाँ प्रदर्शन करेंगे? जिलाधिकारी परिसर, कार्यालय परिसर में रहेगा, और उस दौरान आप क्या क्या जिलाधिकारी से अपेक्षा करते हैं और उन्हें क्या आईना दिखाने काम करेंगे? मंडे से हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हमारे अधिवक्ता साथी जो सदाशिव त्रिवेदी है उनको मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये निर्णय गलत है, कदम प्रशासन का गलत है? प्रशासन ने कोई कागज ही नहीं देखे, उनके पास बैनामा है, दाखिल खारिज है, नक्शा है, ये सब करने वाले तो प्रशासन के मतलब कर्मचारी ही हैं, कैसे इन्होंने कर दिया पहले, और कोई नोटिस तक नहीं दिया। वकील साहब कचहरी में थे और वहाँ मकान ध्वस्त कर रहे थे, तो ये सोची समझी रणनीति है, और जो जिला अधिकारी को जो है गुमराह करके ये कार्रवाई की गई है। तो जब जिला अधिकारी को गुमराह किया गया तो अब उन्हें आप बताने का काम क्या करेंगे? आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो अब अगले 3 दिनों तक आप लोगों ने कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया है, तो क्या बताने जा रहे हैं? हम ये बताएंगे कि शहर में कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है और किस तरह से लोग जो है ज़मीन हड़पे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। तो देखिए, प्रशासन को अब आईना दिखाने का काम अधिवक्ता करेंगे, चूँकि जो अतिक्रमण की गाज गिराने का काम प्रशासन ने किया अतिक्रमण के नाम पर, अब प्रशासन को आईना दिखाने का काम ये अधिवक्ता करने वाले हैं। इनका कहना है कि साथी अधिवक्ताओं का जो मकान इन्होंने गिराने का काम किया वो उनके पास सारे कागजात मौजूद थे। प्रशासन ये बताया कि ये तालाब पर अतिक्रमण कर बनाया गया, जबकि आप लोगों का कहना है वो घाटा संख्या जिस पे भवन बना था वो उस दायरे में नहीं है, तो कागज़ ही नहीं देखे गए, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर आज हंगामा भी हुआ, और भी तमाम साथी हैं, आज उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए,
और हमारे जो अधिवक्ता साथी वरिष्ठ अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी जी हैं, उनके पास सभी प्रपत्र मौजूद हैं जमीन के, भूखंड के, और जो ये प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि ये गाटा संख्या तालाब है वो सेपरेट है, और इनका जो इनकी जो रजिस्ट्री है वकील साहब की वो बिल्कुल अलग है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो कोई अतिक्रमण है, और जहाँ पर अतिक्रमण शहर में है तो उसको प्रशासन या शासन कहीं नहीं देख रहा है, और एक अधिवक्ता जो अपनी गाढ़ी कमाई से किसी तरह से अपना मकान खड़ा किया उसको तानाशाही रवैया अपना करके सीतापुर प्रशासन ने धराशाही कर दिया। देखिए, इस तरीके से अधिवक्ताओं में अब आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और एक एक से जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या कहना है? हमारे अधिवक्ता भाई के साथ प्रशासन ने बहुत ही द्वेषपूर्ण रवैया अपना करके और टारगेट करके कार्रवाई की है, और ये बहुत गलत किया है। वो अपने पेपर दिखाते रहे, पेपर के लिए अपना कहते रहे, वो रोते रहे, वहाँ पे मीडिया भी मौजूद थी, और एक अधिवक्ता जो एक समाज का एक नायक है, वो एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर जगह उपस्थित रहता है, हर अधिकारी के पास जाता है और पीड़ित की आवाज़ उठाता है, उसी की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। वो कैमरे वहाँ मीडिया भी मौजूद थी, उसको अगर देखा जाए तो वो अपने पेपर दिखाने के लिए रोते रहे कि हमारे पेपर देख लिए जाएँ, ये कार्रवाई हमारे खिलाफ़ गलत हो रही है, कोई पेपर नहीं देखा गया वहाँ पर। हकीकत ये है कि उनके पास उस जगह का एक बैनामा है, उसका दाखिल खारिज है और नक्शा भी पास है, और सब कुछ होने के बावजूद उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है ये बहुत गलत की गई है। इसका हम लोग विरोध करेंगे, और उनको जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है और उनको न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए अधिवक्ताओं में अब ये लड़ाई आर पार की जैसी जंग जैसी छिड़ी हुई है, और इसको लेकर हमने आपको बताया कि 3 दिन अगले कलमबंद हड़ताल पर रहने वाले हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में जो है हंगामा करने वाले हैं। क्या कहेंगे? ये जो प्रकरण त्रिवेदी जी अधिवक्ता महोदय के साथ हुआ है, उनका जो घर जिला प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा जो गिराया गया है वो बहुत गलत तरीके से गिराया गया है, उनके सभी पेपर वैध थे, और जो नेचुरल जस्टिस है उस हिसाब से भी काफ़ी गलत किया गया। उनको न तो कोई नोटिस दी गई और न ही कोई पूर्व सूचना दी गई, बिना पूर्व सूचना के वो न्यायालय में न्यायिक कार्य कर रहे थे। उस समय वहाँ तहसील प्रशासन बुलडोजर और पुलिस बल लेकर पहुँचा और उनके घर को गिराने लगा। जब उनके परिजनों ने उसका विरोध किया, वो नहीं माने, तब वकील साहब वहाँ पर पहुँचे, वकील साहब के साथ कुछ अधिवक्ता और भी पहुँचे। उन लोगों ने कहा कि आप आदेश दिखाइए, किसके आदेशानुसार आप इसको गिरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई रिटर्न आदेश नहीं, जिला अधिकारी महोदय का मौखिक आदेश है। ऐसा जो किया गया काफ़ी गलत किया गया। अभी नवागंतुक हमारे जिला अधिकारी महोदय आए हैं, मैं उनको भी आपके मीडिया के माध्यम से इंगित करके कहना चाहूँगा कि जिला अधिकारी भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लें। अगर जिला अधिकारी के मौखिक कहने से ऐसा कृत्य किया गया है तो जिला अधिकारी महोदय इसके पूर्ण जिम्मेदार हैं। हम लोग आंदोलन पे हैं, जब तक हमारे अधिवक्ता साथी को न्याय नहीं मिलेगा आंदोलनरत रहेंगे। जनपद के अंदर तमाम भू माफियाओं के कब्जे हैं, यहाँ तक कि जो इनका विकास भवन बना है उसका रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, वो भी तालाब के ऊपर बना। और देखिए, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, तो अब यही सब अधिवक्तागण दिखाने का काम करेंगे कि कहाँ कहाँ अवैध अतिक्रमण है, अब यही अधिवक्ता साथी जो हैं वो दिखाएंगे। तो देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे साथ, और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे उनका क्या मत है। जिस तरीके से प्रशासन ने कहा कि ये अवैध अतिक्रमण पर बना हुआ था मकान, और वो अधिवक्ता ये कहते रहे कि उन्हें नोटिस नहीं दी गई और वो आदेश मांगते रहे, क्या लगता है ये ऐसी नौबत क्यों आई? जो ये घर गिराया गया है, मुझे तो इसमें एक साजिश की बू आती है। पूरे सीतापुर में हजारों ऐसे मामले हैं जो अतिक्रमण दिख रहे हैं, प्रशासन को दिख रहे हैं, सारे राजस्व कर्मियों को पता है। अब है क्या, उनको गिराने की बात चल रही है, अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है। तो मुझे जो लगता है, मुझे लगता है जो अधिवक्ता का घर गिराया गया वो सबसे पहले उसी का घर गिराया गया। और क्यों गिराया गया, तो ये जो है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं ये अभी नए नए आए हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये बेचारे ये अभी अस्पतालों में हर जगह पर जाके यहाँ की कमियाँ देखने के प्रयास कर रहे हैं, क्या करना है इसके लिए प्रयासरत हैं। इसी बीच में उन लोगों ने एक नेक्सस बनाया जिनके अवैध अतिक्रमण हैं, और जिनके मुझे लगता है अवैध अतिक्रमण हटाने के चक्कर में उनका नुकसान होने की संभावना थी, तो उन्होंने पूरी इस अतिक्रमण विरोधी अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम है उसको उन्होंने अधिवक्ताओं की तरफ मोड़ दिया।
कि अगर अभी एक अधिवक्ता का मकान गिराया जाएगा तो अधिवक्ता आंदोलित होंगे और ये सारी मुहिम प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की ये सब टांटा फिस हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो मुझे जो लगता है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा ऐसे लोगों जो कान में फूंकते हैं ना उनसे बच के रहें। वो अभी आए हैं, उनके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता, वो अच्छे हैं बुरे हैं अभी हम लोगों को नहीं पता। लेकिन अगर मौखिक आदेश पे इस तरह से काम करेंगे, उनके कर्मचारियों ने उनको बदनाम करने की कोशिश करी है और इतना बड़ा कदम, एक घर बनाता है व्यक्ति, उसके पास पूरे पेपर से सब कुछ है, सिर्फ मौखिक आदेश पे किसी का घर गिरा दिया जाएगा क्या? अगर ये किया गया है तो ये इस पर बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। अगर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे तो इनको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या है। दूसरी बात, जो ये राजस्व जो बस्ता वस्ता में देखा गया है कि ये जो तालाब है उस जगह पर 3-4 तालाब हैं, 2 तालाबों का तो अस्तित्व खत्म हो गया, उनका तो कोई कागज नहीं दिख रहा है नक्शे में, वो तालाब शो हो रहे हैं लेकिन उनका कोई कागज ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, सवाल इस बात का है, जैसे प्रशासन कह रहा है तालाब पर ये मकान बन गया, तो जो जिम्मेदार थे मकान बनने का इंतजार कर रहे थे तब गिराएंगे। अब यही तो हादसा तो यही है कि वो पहले, सबसे पहले जाके, भाई अगर आपको एक अधिवक्ता का घर गिरा रहे हैं, किसी का भी घर, अज्जा सामान की मैं बात करता हूँ, एक उसका प्रोसेस है, अगर आपको लगता है तो आप कम से कम उसको सुनने का मौका तो देंगे ना। आपने उनको सुनने का मौका नहीं दिया। भाई आपके उनके पास बैनामा है, तो बैनामा अगर किसी गलत जमीन का, तालाब की जमीन का किया गया है तो क्या रजिस्ट्रार के खिलाफ तत्कालीन रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? उनका नक्शा पास हुआ है, नक्शा पास होता है सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से विनियमित क्षेत्र का, तो क्या तत्कालीन उनके सिटी मजिस्ट्रेट या उनके कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी क्या? लेखपाल, यही लेखपाल जो कल तक कह रहा था कि सारा कुछ ठीक है, उसने नोटिस लगाया, शायद जो नक्शा पास होता है उसमें लेखपाल वगैरह की भी नोटिंग होती है, तो क्यों नक्शा पास हो गया? तो क्या इन इतने सारे लोग जिन्होंने ये सब इन सब कार्यों में सहयोगी कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी राजस्व कर्मी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाएगी? देखिए, कानून बिल्कुल, कानून के जानकार अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून का पालन कराने वालों को लेकर, जो कानून का पालन कराने को लेकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, अब उनका पाला कानून के जानकारों से पला है, तो अब ये जो आपका पाला उनसे पड़ा है तो अब आप उनको कानून बताएंगे? बताना ही पड़ेगा भाई, क्यों नहीं बताना पड़ेगा? आखिर उन्होंने, मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर किसी का गलत भी है तो कम से कम उसको अपना पक्ष, ये तो न्याय, प्राकृतिक न्याय है भाई। आप किसी को गलत कहते, जो आदमी हत्या करता है तो उसको भी तो मौका दिया जाता है ना उसको अपने पास रखने का, जब उसका विचारण होता है तो सही गलत सोच के उसको सजा दी जाती है या मुकदमा छोड़ा जाता है। तो कोई व्यक्ति जिसकी जीवन भर की पूंजी लगा के उसने घर बनवाया है, वहाँ पे और सारे बहुत सारे अतिक्रमण है, वहाँ पर लोगों ने तालाब की जमीनें पाट पाट के प्लाटिंग करी हुई है भाई। अच्छा, नोटिस नहीं दी गई, प्रशासन कह रहा नोटिस, कोई ऐसी कोई नोटिस है ही नहीं, सिर्फ मौखिक आदेश। अगर कोई किसी का घर गिराया जाता है तो भाई उसको एक नोटिस दी जाती है, उसको मौका दिया जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। बिल्कुल। और मौखिक आदेश पर क्या घर गिरा दिया जाएगा कोई? भाई ये तो मुझे लगता है कि या तो डीएम साहब को बताया नहीं गया, या तो डीएम साहब को जो बताया जा रहा है कि डीएम साहब का मौखिक आदेश है, तो मुझे लगता है सारा कुछ गोलमोल है। डीएम साहब ऐसे तो नहीं होंगे क्योंकि अब अगले तीन के मुखिया हैं। अब अगले 3 दिनों तक क्या बताने वाले? हम लोग यही सब बताएंगे भाई कि यहाँ पर अभी एक मामला मैंने पता चला है कि ये जो कचकैची पुल है, इसके नीचे पुल की छत में, पक्के पुल के नीचे, छत के नीचे दुकान चल रही है, क्या नगर पालिका कर्मियों ने नहीं देखा? नगर पालिका कर्मी नाले के ऊपर घर बनवा के रह रहा, क्या नगर पालिका कर्मी को नहीं पता? नगर पालिका के ही कर्मी जो है वो आरएमपी के पीछे जो रास्ता गई आरएमपी के लिए, नाले के ऊपर पूरे घर बनवा के रखे हुए, कुछ खुद में रह रहे, कुछ में किराए पर चढ़ा रहे, क्या नगर पालिका कर्मियों को नहीं पता? आखिर क्यों नहीं देखा जा रहा? ये पूरा क्रिकेट ताल, पूरा ये जितना है गेस्ट हाउसेस, बड़े बड़े नदी किनारे प्लाटिंग हो गई, क्या दिखता नहीं है किसी को कुछ? तो देखिए, अब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण है और ये बताने का काम करेंगे ये अधिवक्तागण अगले 3 दिनों तक। चूँकि एक साथी अधिवक्ता का मकान जब गिराया गया ये बताकर कि वो अतिक्रमण में था, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं अधिवक्ताओं की ओर से कि ये जो है नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई है, और इसको वो साबित करके रहेंगे और अगले 3 दिनों तक कलमबंद हड़ताल कर जिला अधिकारी को बताने का प्रयास करेंगे। कुछ कहेंगे जी?
जी हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग दूसरे को न्याय दिलाते हैं, मेरे साथ ही अन्याय होने लगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? हम सारा खोल कर रख देंगे सीतापुर का चिट्ठा, किसके पास जायज़ है किसके पास नाजायज़ है। एक मकान गिरा है तो सारे जितने हैं नाजायज़ कब्जे वो हटाए जाएं। देखिए अब इसी प्रकार की मांगे आपको अगले कुछ दिनों तक सुनाई देंगी और बहुत लंबे अरसे के बाद सीतापुर के अधिवक्ता फिर एक बार आंदोलन के राह पर हैं। और सीतापुर के अधिवक्ता पूर्व में अगर देखें तो वो आंदोलन करते रहे हैं कई मामलों को लेकर, आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के पास ही अब जो है आप देख सकते हैं वही आते हैं आगे और क्या कहेंगे। हमारा कहना है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो किया गया है दुर्व्यवहार प्रशासन द्वारा, ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और इसका मुआवजा जो है सरकार भरे। प्रशासन ने बहुत गलत किया है, प्रशासन ने बहुत गलत किया है। कुल आपने भी सबको सुना अपने साथियों को, आपका निचोड़ क्या निकलता है? हम आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से यही निवेदन करना चाह रहे हैं, जो ये कार्रवाई करी गई है बहुत निंदनीय कार्रवाई करी गई है और उन्होंने बिना किसी राजस्व अभियोग को देखे हुए आदेश, मौखिक आदेश पारित कर दिया गया। आज हमारे राजस्व के बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं मिस्टर शैलेंद्र यादव जी, उनके साथ मैंने मुआयना किया राजस्व अभियोग का, जिस घाटे को तालाब का बताया जा रहा है वो घाटा 165/1 है और जो हमारे साथी अधिवक्ता श्री सदाशिव त्रिवेदी जी ने रजिस्ट्री कराई है वो 165 नंबर की है, तो वो तालाब का कैसे हुआ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। रजिस्ट्री कहाँ हुई? रजिस्ट्री कहाँ हुई? रजिस्ट्री ऑफिस में। जमीन किसकी थी ये तो मुझे नहीं पता है, जिन्होंने खरीदी वो राजस्व अभियोगों में दर्ज है उनसे खरीदी गई है और उन्होंने नक्शा भी पास कराया है, दाखिल खारिज भी कराया है, नगर पालिका को टैक्स पे कर रहे हैं। जब भी कोई सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ से विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराता है तो उसकी NOC राजस्व विभाग भी देता है और हमारा नगर पालिका भी देता है। अच्छा, कितने साल पहले भवन बन गया था इसका नक्शा? आई थिंक 2011 को पास कराया गया था, निर्माण कराया गया था, कुछ पार्ट उनका छूट गया था जिसका निर्माण वो अब करा रहे थे। दोनों बैनामे हैं, रजिस्टर्ड बैनामे हैं और घाटा नंबर जो 165 लिया गया है वो तालाब में दर्ज नहीं है। वर्तमान खतौनी में भी वो भूमिधर अधिकार के क्षेत्र में है और जिनसे लिया है वो दर्ज हैं उसमें। दाखिल खारिज भी नगर पालिका ने किया है, NOC दी होगी तभी नगर पालिका में दाखिल खारिज हुआ है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि DM साहब ने अगर अपने पूर्ण अभिलेखों को देख लिया होता, जैसा कि लेखपाल साहब ने उनको बताया होगा सर ये तालाब है, तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि राजस्व अभिलेखों में 1359 फसली वर्ष में जो तालाब का घाटा अंकित है वो 165/1 है, तो जब चकबंदी हुई ही नहीं तो घाटा तो बदल नहीं सकता है, तो 165 नंबर में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उन्हीं से उन्होंने खरीदे हैं, तो वो गलत कहाँ से हैं? लेकिन जिला प्रशासन ने किन्हीं भी अभिलेखों को नहीं देखा गया, जैसा कि बताया गया कि पूर्व में नोटिस भी दी गई है, लेकिन कोई भी अगर नोटिस होती तो तामीला कराया जाता, तामीला में सदाशिव जी के साइन होते या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के साइन होते, क्या उसको दर्शाया गया? नहीं दर्शाया गया। तो मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि DM साहब इसको पूर्ण अभिलेखों की जाँच कराएँ, राजस्व के अभिलेख उनके खुद के हैं, अगर जाँच कर लिए जाएंगे तो हमारे अधिवक्ता भाई को एक मुआवजा मिल सकता है जो न्याय हित में है। बाकी जिला प्रशासन चाहे तो शहर भर में जितने भी अतिक्रमण हैं उनकी कार्रवाई कर ले, अगर वो अवगत नहीं हैं तो हम जैसे ही अधिवक्ता भाइयों से अगर कहा जाएगा तो उसके प्रपत्र दिए जाएंगे। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से कई बार लोगों ने अवगत कराया हो गया, हमारी ही तहसील में सदर तहसील में बहुत से क्षेत्र पड़े हैं, जैसे जमैयतपुर हो गया, बिजवार हो गया, बहुत से प्रकरण हुए हैं, कुछ ऐसे प्रकरण हुए कि फर्जी परमिशनें मिलके राज्य सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे बहुत से प्रकरण चल रहे हैं, तो कृपया उनको भी संज्ञान में ले लिया जाए। लेकिन हमारा एक अधिवक्ता भाई जो कि प्रैक्टिशनर हैं प्लस वो वर्तमान में जंगल वन विभाग के पैनलिस्ट अधिवक्ता भी हैं, तो जो खुद भी रेवेन्यू का थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उनको जानकारी है कि जो उन्होंने मकान लिया है बिल्कुल सही लिया है। बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात इन्होंने जो जिस तरीके से रखी, कुल मिलाकर अब इस मामले में जो पक्ष रखा गया वो ये निकल करके आ रहा है कि राजस्व अभिलेखों में इनके कागजात सही हैं, जो घाटा संख्या बताया गया अतिक्रमण में वो घाटा संख्या नहीं है, तो इन्होंने उसका मौका मुआयना भी किया है। अब जो राजस्व के कार्य देख रहे हैं, जो अधिवक्तागण उसके मुकदमे देखते हैं, वो इस मुकदमे को भी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और उसको समझने के बाद उनका ये पक्ष निकल करके आया है। और भी साथी हैं, उनसे
निचोड़ कर ले लेते हैं और जानकारी करते हैं। जी बिल्कुल, एक एक कर जान लेंगे कि इस मामले में और लोगों का क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी हैं श्री सदाशिव त्रिवेदी जी, उनके साथ जो मकान गिराने की घटना हो गई, अब वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं जिलाधिकारी महोदय से बस इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल से दो शब्दों में कि अगर जो वो वाकई सीतापुर में सफाई अभियान, अतिक्रमण अभियान चलाना चाहते हैं तो अपने जहाँ पे उनका आवास है वहीं आसपास से क्यों नहीं चलाना चाहते हैं? उनके आवास के जस्ट पीछे बैजनाथ कॉलोनी सिविल लाइन बोली जाती है, सैकड़ों दसियों हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन नजूल की जो नाजायज लोगों ने कब्जा कर रखी है, क्या उनको वो नहीं दिखता है? क्या उनके जो वो अभी नए नए आए हैं जो उनके कर्मचारी, क्या वो उनको ये नहीं बताते हैं कि आपके घर के पीछे दसियों हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन नजूल की ज़मीन जो माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लीजिए, वो नहीं दिख रहा क्या? सिर्फ एक टारगेट वश अधिवक्ता को टारगेट किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बस कहना चाहता हूँ कि अगर जो उनको सफाई अभियान या अतिक्रमण अभियान चलाना है तो अपने घर के पास से चलाएं, बस यही मेरा निवेदन है। तो इसमें आप कह रहे टारगेट किया गया है, तो आप ये जायज है क्या? ये जब हमारे अधिवक्ता के पास मानचित्र भी है, दाखिल खारिज भी है, बैनामा भी है, तो क्या मेरे अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ता को आपके द्वारा एक नोटिस नहीं भेजी जा सकती थी क्या? आप नोटिस भेजते, नोटिस रिसीव होती, नोटिस का वो जवाब देते, तब आप उस पर संतुष्ट कार्रवाई कर सकते थे। जो आपने कार्रवाई की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस कार्रवाई की और मेरा पूरा बार एसोसिएशन सीतापुर और सैकड़ों अधिवक्ता इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए तमाम सवाल अधिवक्तागण उठा रहे हैं अपने साथी पर हुई कार्रवाई को लेकर, और अब चूंकि कानून के जानकार हैं तो पूरी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में जो राजस्व अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है और जिनके निर्देश पे कार्रवाई करने को बता रहे हैं, यानी जिलाधिकारी के निर्देश पर, उन्हीं को अब ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपने जो कार्रवाई ये करवाई है ये कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है। तमाम दस्तावेजों के साथ आने वाले दिनों में प्रशासन से मिलने वाले हैं ये अधिवक्तागण। तीन दिनों का कार्य बहिष्कार कर रखा है और जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में ही ये लोग धरना प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिए, यानी बैठक में ये निर्णय कर लिए हैं बार एसोसिएशन के। जी आपने सबको सुना, आपको इससे इतर क्या लगता है? जिला प्रशासन द्वारा हमारे सम्मानित अधिवक्ता के विरुद्ध जो डिमोलेशन की कार्रवाई की गई है वो घोर निंदनीय है। सीतापुर पूरा जिला अतिक्रमण से प्रभावित है। प्रशासन को ये नहीं दिखता है कि सड़कों पे, मेन रोडों पे निकलने की रास्ता नहीं है। न मालूम कितने डिवाइडर से एक्सीडेंट हो करके हेड इंजरी हो गई, न मालूम कितने लोग हमारे यहाँ सीतापुर के ख़त्म हो गए, लेकिन रोड के किनारे का अतिक्रमण तो नहीं हटा पाए आज तक। लेकिन एक अधिवक्ता का घर जो टोटल वैध रूप से बना हुआ था उसको गिराने का काम किया है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जिला प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता है, महज एक विवाद पैदा करके और जो समस्याएं हैं ज्यों की त्यों रखना चाहता है, इसलिए अधिवक्ता से ये पंगा लिया गया है। और इससे मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को भी ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए, तत्काल रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे वैध अधिवक्ता के मकान को गिरा दिया गया है। अधिवक्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है। हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी, कार्यकारी और अधिवक्ता इस प्रशासन से जब तक हमारे अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लड़ाई लड़ेगा। बार एसोसिएशन ने बैठक में क्या निर्णय किया है, पूरे पॉइंट वार बताइए। बार एसोसिएशन सीतापुर ने आज लालबाग का घेराव किया, जिसमें हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब पहले ज्ञापन लेने के लिए आए थे, उसके बाद एडीएम न्यायिक ज्ञापन लेने के लिए आए, ज्ञापन ले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं डीएम साहब से बात करके और आप लोगों को अवगत कराऊंगा और मीटिंग करूंगा आज ही, लेकिन शायद अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है बारिशों सीतापुर के पास। इसलिए 2 बजे पुनः बारिशों सीतापुर में आमसभा आहूत की गई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया कि 3 दिन तक पूरी कलमबंद हम लोगों की हड़ताल रहेगी और तब तक जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके उसकी सूची जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। तो तीनों दिन क्या जिलाधिकारी कार्यालय भी जाएंगे आप लोग? जिलाधिकारी कार्यालय पे धरना, जैसा कि हमारे सचिव साहब ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय पे ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारे अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक हम लोग शायद आगे न्यायकार से विरत रहेंगे।
देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में अब अधिवक्ता आर पार की लड़ाई पर आमादा हो गए हैं और आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शुरुआत आज उन्होंने प्रदर्शन कर दी है। अगले 3 दिनों तक कलमबंद हड़ताल कर और जिला अधिकारी कार्यालय पहुँच कर वो अब इस मामले को तो बताएंगे ही, साथ में वो उस प्रशासन को आईना दिखाने का काम करेंगे कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है। तो आने वाले दिनों में यदि प्रशासन और अधिवक्ताओं की बात न बनी तो ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। सीतापुर से कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।